नेक्स्ट है फिर से एक बार एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेकिन इमेज इज फॉर्म एट डी लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एक ही फर्क है पूरे क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं है. ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है इंफिनिटी से, यहां पर मिल रही है, यहां पर मिलने का मतलब ये डिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, एफ ओ ही रहेगा. लेकिन इस बार इस लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर नहीं बनाना आपने इमेज को, ये एफ ई है. तो इस बार इमेज कहां बनी, एफ ई और सेंटर के बीच में. तो ऑब्वियसली क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी इस बार, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी. तो वर्चुअल इमेज में डायग्राम बना लेना, एक रे सीधा एक सेंटर में से ये यहां पे मिला लेना, वर्चुअल इमेज डन. बस डबल ए डबल डैश बी डबल ए बी डबल डैश क्या है, वर्चुअल इमेज है. क्या ये पॉइंट क्लियर है, इन्फिनिटी की जगह वर्चुअल इमेज है. तो एक ही फर्क है क्या इसके अंदर, ये डिस्टेंस में तो कोई फर्क है नहीं, ये तो एफ ओ है. लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वाला, अब ये एफ ई से छोटा है, कितना है यू ई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ आईपीस. क्लियर है यहां तक डिस्टेंस ऑफ आईपीस. तो जो आपका टॉपिक है जिसमें टैन बीटा टैन अल्फा है, उसमें पूरे डेरिवेशन में एक ही फर्क है. पिछले केस में जहां पर इंफिनिटी पे हमारी इमेज बनी थी, वहां पर हमने मैग्निफिकेशन क्या निकाली थी, एफ नॉट बाई एफ ई. यहां पर एफ ई की जगह क्या यूज किया, यू ई. जहां एफ ई था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वहां पर क्या यूज किया, यू ई. तो आंसर मैग्निफिकेशन आ गई एफ नॉट बाई एफ ओ बाई माइनस यू ई. क्लियर है यहां तक, क्योंकि पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले केस में किया था एफ ओ एफ ओ एफ ई. इस केस में चेंज हो गया, एफ ओ में कोई चेंज नहीं, यहां पर एफ ई की जगह यू ई हो गया. तो मैग्निफिकेशन में बिल्कुल सीधा वही रिजल्ट है. लेकिन आप अभी यहां रुकेंगे नहीं, यहां पर लिखें फॉर आई पीस, अपने असाइनमेंट लिखें फॉर आई पीस. आई पीस के लिए अगर लेंस का फॉर्मूला लगाएं, तो आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर पड़ा हुआ है, यूई पे. आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे नहीं है, कहां पर है, यूई पे. डायग्राम चेक कर सकते हैं यूई पे. और इमेज वो कहां पर बना रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, जिसको बोलते हैं लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और ऑन द सेम साइड, दोनों नेगेटिव है. तो यहां से फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है. तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करूं, वैल्यूज पुट करके 1 बाय यू ई एक तरफ, 1 बाय एफ ई को कॉमन निकालूं, तो ये 1 हो जाएगा और ये एफ ई हो जाएगा, 1 बाय यू ई आ गया. क्योंकि मेरे पास मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के इसके इक्वल है, मैं एक काम करता हूं, माइनस एफ नॉट इंटू 1 बाय यू ई कर लेता हूं. 1 बाय यू ई की ये जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस एफ नॉट 1 बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी. ये लो, ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा.